नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। ईद पर पूरी घाटी में कर्फ्यू, ड्रोन से नजर। पिछले कई वर्षों में पहली बार कश्मीर घाटी के सभी 10 जिलों में मंगलवार को ईद के मौके पर हिंसा रोकने के लिए कर्फ्यू लागू रहेगा। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि सेना से तैयार रहने के लिए कहा गया है और अगर घाटी में हिंसा होती है तो सेना मोर्चा संभालेगी। घाटी में 2 महीने से अधिक समय से अशांति व्याप्त है और अब तक 75 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सेना के जवानों की ग्रामीण क्षेत्रों के उन बिंदुओं पर पहले ही तैनाती की गई है जिनका हिंसक प्रदर्शनों का इतिहास रहा है। कश्मीर में वर्ष 1990 में आतंकवाद शुरू होने के बाद संभवतः ये पहली बार है जब ईद के मौके पर कर्फ्यू लगाया गया है। युवराज ने खोला राज, विराट कोहली सबसे कंजूस क्रिकेटर। भारतीय क्रिकेट टीम के धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली विश्व के सबसे अमीर क्रिकेटर्स में शामिल हैं। लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाज युवराज सिंह का मानना है कि वे भारतीय टीम के सबसे कंजूस क्रिकेटर हैं। युवराज ने एक रेडियो कार्यक्रम में कहा कि विराट कोहली बहुत बड़े कंजूस हैं। हम खेलने के लिए हमेशा बाहर जाते हैं तो वे मुझसे जबरदस्ती पैसे की मांग करता है। उन्होंने साथ ही अनुभवी तेज गेंदबाज आशीष नेहरा की भी पोल खोलते हुए कहा कि आशीष भी बड़े कंजूस हैं। जब उनकी शादी हुई तो वे मुझसे कहते थे कि उन्हें अपनी पत्नी और बच्चों पर पैसे खर्च करना पसंद नहीं है। पंजाब के क्रिकेटर ने कहा कि भारतीय टीम में कई सीनियर खिलाड़ी हैं जो बहुत ही कंजूस हैं, लेकिन वे उनका नाम नहीं ले सकते। आप विधायक देवेंद्र सहरावत पार्टी से निलंबित। पंजाब में पार्टी के लोगों पर टिकट के लिए महिलाओं का शोषण करने का आरोप लगाने वाले विधायक देवेंद्र सहरावत को आम आदमी पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। आप सूत्र ने कहा कि बिजवासन के विधायक देवेंद्र सहरावत को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। पार्टी ने ये कदम राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के 4 दिनों के पंजाब यात्रा पूरी कर दिल्ली लौटने के बाद उठाया है। पार्टी की दिल्ली इकाई की अनुशासन समिति ने विधायक को निलंबित करने का फैसला किया।